राजस्थान की राजनीति में अब इस शाही परिवार की होगी एंट्री। इसरानी के चुनावी मैदान में उतरने का क्या होगा असर? वैसे तो राजस्थान विधानसभा लंबे अरसे से राज परिवार के वंशजों का ठिकाना रहा है। कुछ राजघरानों के सदस्य इसे अपनी शाही विरासत को बचाए रखने का एक जरिया मानते हैं, तो वहीं कुछ इसे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के रास्ते के रूप में देखते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो यहाँ पैर जमाने के लिए आते हैं। प्रदेश की सियासत शाही खून की नुमाइंदगी करने वालों की फेहरिस्त में जल्द ही एक और नाम शामिल होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक और शाही परिवार की राजनीति में एंट्री होने वाली है। जैसलमेर राज परिवार की वंशज और महारावल बृजराज सिंह की पत्नी राजेश्वरी राज्य लक्ष्मी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। इलाके में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि राज्य लक्ष्मी ने अब तक किसी भी पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा नहीं जताई है। सियासी जानकारों की माने तो राजेश्वरी राज्य लक्ष्मी के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में उनके लिए दरवाजे खुले हैं। इसमें वो लोकप्रिय चेहरा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान उन्होंने तेजी से जनसंपर्क अभियान चलाया है। वो सामाजिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती नजर आ रही हैं। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। लेकिन इतना तय है कि वो जिस पार्टी से अपनी सियासी पारी का आगाज करेंगी उस पार्टी के कई दावेदारों को बैठना पड़ेगा। हालांकि अगर राज्य लक्ष्मी राजनीति में उतरती हैं, तो ऐसा करने वाली वो किसी शाही परिवार की पहली सदस्य नहीं होंगी। इससे पहले धौलपुर राजघराने की वंशज और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई शाही परिवारों के वंशजों का विधानसभा में अच्छा खासा रसूख है। आपको बता दें कि राजेश्वरी राज्य लक्ष्मी नेपाल के सिसोदिया राणा राजघराने की राजकुमारी है, जिनकी शादी जैसलमेर शाही परिवार के वंशज बृजराज सिंह से साल 1993 में हुई थी। इस परिवार के कई सदस्य पहले भी राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राजेश्वरी राज्य लक्ष्मी सूबे की सियासत में क्या गुल खिलाती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।